सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं 10 की 10 तक। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको सच से रूबरू कराते हैं, आपको सबक बने रहने की, सजग बने रहने की नसीहत देते हैं, ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को लोगों से सुरक्षित रख सकें। देखते हैं क्या है आज का मामला। सोशल मीडिया पर शिकार को फंसाकर फ्लैट पर बुलाती थी दिल्ली की हनी गर्ल। जी हाँ, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है ये नाम, सुना ही होगा आप सभी लोगों ने। पहले आप सिर्फ टीवियों में देखते थे, पिक्चरों में देखते थे जो बनाई हुई स्टोरी थी, लेकिन आज हम आपको सच बताएंगे क्या है ये हनी गर्ल। नकली पुलिस फिर आ जाती थी, नकली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो फेसबुक पर लोगों को फंसाकर हनी ट्रैप में फंसाता था। इस गैंग की एक हनीप्रीत नाम की सदस्य सोशल मीडिया पर लोगों के साथ वीडियो चैट करती थी, इसके बाद उन्हें अपने किराए के फ्लैट पर बुलाती थी। जैसे ही उसके जाल में फंसकर कोई फ्लैट पर पहुंचता, उसके अन्य साथी नकली दिल्ली पुलिस बनकर हनी ट्रैप सिंडिकेट का सनसनीखेज खुलासा करते हैं। ये गैंग खूबसूरत लड़की के साथ मिलकर फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अमीर लोगों को लुभावनी बातों में फंसाता था। इसके बाद लड़कियां अपने शिकार को किराए के फ्लैट पर बुलाती हैं, जहां इस गैंग के सदस्य नकली पुलिस कर्मी बनकर छापा मारते हैं। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू किया जाता है। पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं हनीप्रीत नाम की आरोपी फरार है। आउटर जिला दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने 3 आरोपियों पवन उर्फ घनश्याम, मंजीत उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली के व्यापारी ने पश्चिम बिहार थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे दिल्ली में एक गिरोह ने हनी ट्रैप किया और ब्लैकमेलिंग कर बनकर छापेमारी का नाटक करते थे। इसके बाद ब्लैकमेलिंग की जाती थी, 1.5 लाख रुपए ले लिए। शिकायत के बाद पुलिस इस गैंग की तलाश कर रही थी। डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट की निगरानी में इस गैंग को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिरों को तैनात किया। ब्लैकमेलिंग वाले फ्लैट के पते पर पुलिस ने तलाशी ली और छापामारी की गई, लेकिन आरोपी फरार थे। फ्लैट के मालिक से पूछताछ की गई, जिसने एक संदिग्ध आरोपी पवन की पहचान हो गई है। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित ज्वाला हैंडी मार्केट के फायर स्टेशन के पास से 3 आरोपियों को ट्रैप कर धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। पवन सिंडिकेट का किंग पिन है, जो बहादुरगढ़ में हनी ट्रैप मामलों के मास्टर नीरज से मिला था। नीरज का थाना पश्चिम विहार पूर्व में हनी ट्रैप के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पवन ने उससे हनी ट्रैप के तरीके सीखे। इसके बाद वह फेसबुक पर हनीप्रीत नाम की लड़की से संपर्क में आ गया। इसके बाद सबने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया। इसके बाद पश्चिम विहार दिल्ली में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। इसके बाद हनीप्रीत ने सोशल मीडिया पर आईडी बनाई, वह अमीर लोगों के साथ चैट करती। उनसे आईडी रितु बंसल के नाम से बनाई थी। हनीप्रीत ने शिकायतकर्ता से वीडियो चैट पर बात की और अपने फ्लैट पर मिलने के लिए राजी किया। इसके बाद जब शिकायतकर्ता उसके फ्लैट पर पहुंचा, तो कुछ देर बाद उसके गैंग के सदस्य नकली पुलिस बनकर छापा मारने पहुंच गए। इसमें मंजीत सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने था और बाकी दोस्त के सबऑर्डिनेट थे। हनीप्रीत को भी वैसे ही ट्रीट किया गया जैसे असली पुलिस ने छापा मारा है। उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद हनीप्रीत ने नकली पुलिस वालों को मामला रफा दफा करने के लिए पैसे देने की गुजारिश की। इस पूरे मामले की जांच के दौरान मंजीत उर्फ मनदीप की निशानदेही पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी बरामद की गई है। पुलिस फरार है और आरोपी हनीप्रीत की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सोशल मीडिया पर शिकार को फंसाकर फ्लैट पर बुलाती थी दिल्ली की हनी गर्ल, फिर आ जाती थी नकली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फेसबुक पर लोगों को फंसाकर हनी ट्रैप में फंसाता था। इस गैंग की एक हनीप्रीत नाम की सदस्य सोशल मीडिया पर लोगों के साथ वीडियो चैट करती थी, इसके बाद उन्हें अपने किराए के फ्लैट पर बुलाती थी। जैसे ही उसके जाल में फंसकर कोई फ्लैट पर पहुंचता था, उसके अन्य साथी नकली पुलिस दिल्ली पुलिस ने हनी ट्रैप सिंडिकेट का सनसनीखेज खुलासा किया है। ये गैंग खूबसूरत लड़की के साथ मिलकर फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अमीर लोगों को लुभावनी बातों में फंसाता था। इसके बाद लड़कियां अपना शिकार को किराए के फ्लैट पर बुलाती थी, जहां इस गैंग के सदस्य नकली पुलिस कर्मी बनकर छापा मारते थे। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू किया जा रहा था। पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वही हनीप्रीत नाम की आरोपी फरार है। आउटर जिला दिल्ली ने स्पेशल स्टाफ ने 3 आरोपियों पवन उर्फ घनश्याम, मनजीत और दीपक को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली के व्यापारी ने पश्चिम विहार थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे दिल्ली में एक गिरोह ने हनी ट्रैप किया और ब्लैकमेलिंग कर बनकर छापेमारी का नाटक करते हुए
इसके बाद ब्लैकमेलिंग की जाती थी। 1.5 लाख रुपए ले लिए। शिकायत के बाद पुलिस इस गैंग की तलाश कर रही थी। डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट की निगरानी में इस गैंग को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिरों को तैनात किया। ब्लैकमेलिंग वाले फ्लैट के पते पर पुलिस ने तलाशी ली और छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी फरार थे। फ्लैट के मालिक से पूछताछ की गई, जिससे एक संदिग्ध आरोपी पवन की पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित ज्वाला हेडी मार्केट के फायर स्टेशन के पास से तीन आरोपियों को ट्रैप कर धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। पवन सिंडिकेट का किंग पिन है, जो बहादुरगढ़ में हनी ट्रैप और मामलों के मास्टर नीरज से मिला था। नीरज को थाना पश्चिम विहारपुर में हनी ट्रैप के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पवन ने उससे हनी ट्रैप के तरीके सीखे। इसके बाद वह फेसबुक पर हनीप्रीत नाम की लड़की के संपर्क में आ गया। इसके बाद सबने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया। इसके बाद पश्चिम विहार दिल्ली में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। इसके बाद हनीप्रीत ने सोशल मीडिया पर आईडी बनाई व अमीर लोगों के साथ चैट करती थी। उसकी यह आईडी रितु बंसल नाम से बनाई थी। हनीप्रीत ने शिकायतकर्ता से वीडियो चैट पर बात की और अपने फ्लैट पर मिलने के लिए राजी किया। इसके बाद जब शिकायतकर्ता उसके फ्लैट पर पहुंचा तो कुछ देर बाद उसके गैंग सदस्य नकली पुलिस बनकर छापा मारने पहुंच गए। इसमें मंजीत सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने था और बाकी दो उसके सब ऑर्डिनेट थे। हनप्रीत को भी वैसे ही ट्रीट किया गया था जैसे असली पुलिस ने छापा मारा है और उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद हनीप्रीत ने नकली पुलिस वालों को मामला रफा दफा करने के लिए पैसे देने की गुजारिश की। इस पूरे मामले की जांच के दौरान मंजीत उर्फ मनदीप की निशानदेही पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी बरामद की गई। पुलिस फरार आरोपी हनीप्रीत की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। देखा दोस्तों किस तरह से हनी ट्रैप का मामला चल रहा है। कैसे लड़कियां, हमें लगता है कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, लेकिन लड़कियां भी ऐसे जाल साजिश कर लोगों को फंसाती है और आज के टाइम में इस तरह का क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए MNS News Live, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।